आपको शमशेरा मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है उसके आफ्टर, मतलब इतने टाइम के बाद आ रही है, एक्सपेक्टेशन अच्छी थी, अच्छी लगी मेरे को। इट्स जस्ट रियली मास्टरपीस ऑफ यशराज फिल्म्स। 50 साल पूरे हो गए उन्होंने, इतने मतलब 50 साल पूरे होने के तौर पर इतनों ये मूवी के तौर पर ये भेंट दिया है पब्लिक को शमशेरा के नाम पे। इट्स जस्ट ए मास्टरपीस, वंडरफुल एक्ट बाय रणबीर, वानी कपूर, एवरीवन वाज जस्ट ऑसम, रियली ग्रेट वर्क। इट इज ओके, वन टाइम वॉच मूवी, बहुत ही जोरदार, वंडरफुल, अमेजिंग। मुझे बहुत पसंद आई, मैं बहुत उम्मीदों के साथ नहीं गई थी, मैं थोड़ा डर से जा रही थी। रणबीर कपूर और वानी कपूर की केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? केमिस्ट्री दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी जम रही थी, और अच्छी हो सकती है कोई और होता तो। एवरेज थी वो, वानी कपूर को इतना डायलॉग्स और ये स्क्रीन टाइम नहीं दिया था, बट रणबीर कपूर वॉज गुड इन द मूवी। की केमिस्ट्री काफी अच्छी थी, स्पेशली वो गाने में बहुत अच्छी केमिस्ट्री। आलिया भट्ट वुड लाइक इट, दे बोथ आर क्यूट और बहुत ही अच्छी लगी। एक्चुअली पहले के जमाने की लगी, ऐसा नहीं बोल सकते कि आज के जमाने से उसको जोड़ा गया। एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसको मैं दोबारा देखना जरूर चाहूंगी, मे बी इन सम अदर सेटिंग। किसका कैरेक्टर आपको ज्यादा अच्छा लगा? ज़्यादा कैरेक्टर मैम वानी कपूर का, और रणवीर सिंह की केमिस्ट्री बहुत पसंद आई। KGF में संजय दत्त की कैरेक्टर जो लेजेंडरी कैरेक्टर था, ये वाला कैरेक्टर भी लेजेंडरी होने वाला, बहुत ही कमाल का। संजय दत्त एंड रणवीर कपूर का जो ग्राफ है वो ऐसा लग रहा है डे बाई डे बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ रहा है। मूवी के बाद और बढ़ गया। वैसे तो साल ही मेरे ख्याल से रणबीर कपूर का है, शमशेरा, ब्रह्मास्त्र, शादी भी हो गई। स्टोरी बहुत ही अच्छी तरह से लिखी गई है, पूरा सच नहीं है लेकिन कुछ है जो नीची जात को लेकर ये बनाया गया था, तो बहुत ही अच्छी तरह से लिखी गया है। बहुत अच्छी थी, मैंने इंटरवल के पहले थोड़ी सी थी डाउन टाइप, बट इंटरवल के बाद इट पिकअप एंड अच्छी थी। स्टोरी लाइक जो ट्रेलर से लग रहा था कि बहुत एवरेज रहेगी, उससे थोड़ी सी अच्छी थी, बिकॉज उसमें थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। बहुत वेल स्टोरी लाइन तो बहुत अच्छी, मतलब इट वाज अ नाइस रिवेंज स्टोरी, लेकिन जिस तरह से उसको डायरेक्ट किया था वो बहुत अच्छा था। स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी है, पीरियडिक ड्रामा है चूँकि, तो मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छा, लाइक अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले। मूवी कहीं भी बीच में ऐसी नहीं लगी कि बोर कर रही है, उसने बांध के रखा स्टार्टिंग से एंड तक। सॉन्ग कैसे लगे आपको? सॉन्ग भी बहुत बढ़िया थे सब। सॉन्ग दो आइटम सॉन्ग है तो वो मस्त है, और जो सुखविंदर सिंह उन्होंने तो मतलब आग लगा दी है उनकी आवाज़ में। शमशेरा नाम मतलब सुखविंदर सिंह, उनको पहले ही कोई भी शमशेरा का नाम सुनेगा और सुखविंदर सिंह का आवाज़ आएगा ही आएगा। सॉन्ग्स अच्छे थे, मेरे को इतने कुछ ये नहीं लगे, बट गुड नाइस है। सॉन्ग्स की वजह से थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था। गाने इज द हाईलाइट, द सॉन्ग इज द लाइफ ऑफ द मूवी। सॉन्ग्स की वजह से जो इम्पैक्ट जो बैकग्राउंड स्कोर था, उसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कौन सा बेस्ट सीन था पूरे मूवी में? He arises when he gets a rose, like I am the son of Shamshera. The dialogue part which wo usko jo usko milne aate hai wo wala part, ke the situation jo last mein jo sab log milke bolte hai wo wala part. Climax jo hai Ranbir aur Sanjay Dutt ka jo ek face off hai, I think wo ek one of the highest points hai film ka. 10 star extra 4 5 out of 6 man 4 6 out of 5 3.5 3.5 4.5 I think 3.5 4.5 100% theater aake dekhni chahiye movie, because theater mein hi theater mein ha